ड्यू नो दैट देर इज नो सच थिंग लाइक कोइंसिडेंस इन लाइफ मतलब हमें लेता है कभी कभी कि अरे यार ये हो गया वॉट अ कोइंसिडेंस राइट जिंदगी में ना कोइंसिडेंस नहीं होते एवरीथिंग एवरीथिंग हैज अ रीजन एवरी थिंग हैज अनिंग इन लाइफ ऐसे कुछ नहीं हो जाता तो वट एवर यू आर एक्सपीरियंसिंग राइट नाउ चाहे वो अच्छा एक्सपीरियंस कर रहे हो चाहे वो खराब एक्सपीरियंस कर रहे हो चाहे वो स्ट्रेस में है एन्जाइट में है या बहुत खुश है वट एवर इट इज़ ऑल दीज एक्सपीरियंसिस आर बेसिकली दे आर मेंट टू प्रिपेयर यू फॉर द फ्यूचर जर्नी क्योंकि आपने एक चीज़ नोटिस की होगी आप कितना भी कंपेरिजन करिए ठीक है अपने दोस्तों के बीच में अपने आप को कंपेयर करिए अपने, अपने रिश्तेदारों से अपने आप को कंपेयर करिए बट एवरीबडी हैज़ अ वेरी यूनिक लाइफ स्टाइल ना लाइफ स्टाइल भी नहीं बोलूँगा कि जर्नी ऑफ लाइफ तो ज़िंदगी के जो सफ़र में हर एक हर एक इंसान बिल्कुल यूनिक रास्ते पे चलता है इसीलिए आपको उस रास्ते पे कहाँ जाना है आपकी डेस्टिनी कहाँ है वहाँ तक पहुँचाने के लिए आपको क्या क्या सीखने की ज़रूरत है किन किन एक्सपीरियंसिस से गुजरने की ज़रूरत है वो ज़िंदगी बेहतर जानती है आपसे तो ये कभी मत सोचिएगा कि मैंने ये डिसीजन गलत ले लिया मैंने वो डिसीज़न गलत ले लिया बिकॉज लाइफ इज़ नॉट अबाउट कि अचीव कर लिया कुछ और आप बैठ गए है ना जिंदगी तो अल्टीमेटली खत्म ही होनी है तो लाइफ इज ऑल अबाउट ग्रोथ और एक ग्रोथ के लिए जिंदगी जानती है कि आपको कब क्या सिखाना है क्या आप सीख चुके हैं और आपको क्या सिखाना बाकी है क्योंकि बड़े बड़े सपनों के लिए बड़ी बड़ी एस्पिरेशन के लिए बड़ा बड़ा स्ट्रगल भी लगता है बड़ी मेहनत भी लगती है ठीक है तो इसीलिए कई बार बच्चों से बात होती है तो दे आर लाइक के सर अच्छे नंबर नहीं आए पेरेंट्स का कॉन्फिडेंस थोड़ा सा खराब हुआ है हमारा अपना कॉन्फिडेंस खराब हुआ है आगे इंजीनियरिंग में जाना चाहते हैं पर परसेंटाइल अच्छा नहीं रहा है ना इस तरह के डाउट्स रहते हैं आपको क्या पता कि आप ज़िंदगी में क्या करोगे पता है आपको रियलिटी में कभी जो बड़े बड़े महान लोग हैं पॉपुलर लोग हैं ठीक है उनके हिस्ट्री उनके पास्ट को ज़रा उठा के देखिए कहाँ से शुरू किया था और कहाँ पहुँच गए है ना मतलब चले किस शोर थे और पहुँच कहाँ गए तो जाना था जापान पहुंच गए चीन तो वो वाली कहानी होती है ज़िंदगी में लोगों के साथ और मैक्सिमम लोगों के साथ मेरे साथ खुद भी हुआ है आई स्टार्टेड लाइक टेंथ में मैंने सोचा था कि मैं साइंस तो कोई सवाल ही नहीं कोई बात ही नहीं है भैया मैं साइंस पढ़ूंगा ऐसा हो ही नहीं सकता मैं आर्ट्स लेने के मूड में था इलेवंथ क्लास में वो तो अब देखा यार सभी लोग साइंस पढ़ रहे हैं तो साइंस ले ली साइंस ज्वाइन कर लिया उसके बाद धीरे धीरे इंटरेस्ट आने लगा तो सेल्फ स्टडी थोड़ा और ध्यान दिया और और पढ़ाई करना स्टार्ट किया और नई किताबें खरीदी तो सेल्फ स्टडी कर करके चलो अपना हो गया और इंजीनियरिंग भी कर ली तो शौक था मैकेनिकल इंजीनियरिंग का चलिए वो भी कर ली तो मैकेनिकल में फर्स्ट ईयर से पढ़ाना स्टार्ट कर दिया और फिर डिसाइड किया कि यार मुझे पढ़ाना ज़्यादा अच्छा लग रहा है कोर मैकेनिकल से तो फिर पढ़ाने में करियर बना लिया फिर बीच में बोर हुआ कि अभी नहीं बहुत हो गया फिर मर्चेंट ने भी ज्वाइन कर लिया तो कोर मैकेनिकल का भी एक्सपीरियंस ले लिया फिर वहाँ से छोड़ के आ गया कि वो लाइफ अच्छी नहीं लगी फिर वापस ऑफलाइन कोचिंग में आए फिर ऑनलाइन स्टार्ट किया फिर अन अकेडमी ज्वाइन कर लिया फिर ना फिर वापस अभी कैनवस का आ आए तो जिंदगी इट्स अबाउट एक्सपीरियंसिस इट्स नॉट अबाउट रीचिंग समवेयर इट्स अबाउट ग्रोइंग विद एवरी डिसीजन यू मेक है ना लर्निंग समथिंग न्यू ग्रोइंग बींग अ बेटर पर्सन और बस ये न हर दिन एक अच्छा जिए हम किसको क्या पता कब जिंदगी कितनी है कब खत्म हो जाएगी कब क्या हो जाएगा है ना अपने आसपास हम देखते हैं कितनी ट्रेजिडीज़ हो रही हैं लोगों की ज़िंदगी में है ना वर्ल्ड वाइड लेवल पे तो इसीलिए बहुत दूर की मत सोचो बहुत दूर की सोच के बहुत परेशान मत हो कि अरे यार ऐसा हो जाएगा तो क्या होगा है ना मेरी इंजीनियरिंग नहीं होगी फिर मेरे बच्चे नहीं मतलब मेरे को है ना शादी नहीं होगी फिर बच्चे नहीं होंगे बच्चे आई में नहीं होंगे तो इतनी चिंता नहीं करनी है भाई अभी आज अपना अच्छे से जाए आज अगर पढ़ रहे हो उसको पढ़ो कुछ सीखने के मोटिव से पढ़ो ये नहीं कि आज सड़सड़ के पढ़ रहे हो कि यार कल को एग्जाम क्लियर करना है आज की पढ़ाई को आज ही इन्जॉय करो आज के समय को आज इन्जॉय करो दोस्तों से गपशप हो रही हो उसको भी इन्जॉय करो पेरेंट्स के साथ बैठे हो कुछ बातचीत कर रहे हो उसको भी इन्जॉय करो तो ट्राई टू तो लिव एवरी सिंगल मोमेंट एंड डू नॉट ठीक है डू नॉट कम टू कंक्लूज़न कि जो हुआ सही हुआ या गलत हुआ ठीक है क्योंकि आप में हम में उतनी बुद्धि नहीं है उतनी दूरदृष्टि नहीं है कि हम जिंदगी के डिसीजन के आगे अपने कंक्लूजन रख हैं कि ये सही हुआ गलत हुआ ज़िंदगी बेहतर जानती है कई बार आपको थोड़ा रगड़ना भी पड़ता है कुछ सिखाने के लिए तो ज़िंदगी बेहतर जानती है बस ये याद रखें ठीक है एंड स्टे पॉजिटिव बी अ वॉरियर और बढ़ते रहिए मुस्कुराते रहिए है ना बत्तीस ही दिखाते रहिए चलिए ऑल द बेस्ट हैव अ वंडरफुल डे